उत्पत्ति अध्याय 27। उत्पत्ति अध्याय 27। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और अपना धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरण का आहेर कर लिया। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही पाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं, मुझ ही पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जिसे मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकटा, मैं तुझे टटोलकर जानू कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है वा नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोलकर कहा, बोल, तो याकूब कैसा है? पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं और उसने उसको नहीं चिन्हा क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हां मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह अब उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकटाकर मुझे चूम।
उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया कि देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे और राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीष दे सो आशीष पाए। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि ऐसा अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा हे मेरे पिता उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं तेरा जेठा पुत्र ऐसा हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे खाने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही ऐसा ने अत्यंत ऊंचे स्वर से और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा हे मेरे पिता मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे दो बार अंगड़ा मारा मेरी पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने ऐसाव को उत्तर देकर कहा सुन मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है सो अब हे मेरे पुत्र मैं तेरे लिए क्या करूं? ऐसाव ने अपने पिता से कहा हे मेरे पिता क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर ऐसाव फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर पड़े और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो होए पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। ऐसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को अपने पहले उठे पुत्र ऐसाव की ये बातें बताई गई तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा सुन तेरा भाई ऐसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन को धीरज दे रहा है सो अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उसे किया है उसको वह भूल जाए तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े? फिर रिबका ने इसहाक से कहा हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां है याकूब की भी एक को कहीं ब्याह ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा?